नमस्ते, मैं सौरभ हूँ। आप ललन टॉप देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिशन चंद्रयान के बाद इसरो में जाकर बोल रहे हैं, देश को संबोधित कर रहे हैं। पहले वो सुनिए। समाहित कर देते हैं साथियों, मैं कल रात को आपकी मनस्थिति को समझता था। बहुत कुछ कहती थी, आपके चेहरे की उदासी मैं पढ़ पाता था और इसलिए ज्यादा देर मैं आपके बीच नहीं रुका। कई रातों से आप सोए नहीं हैं, फिर भी मेरा मन करता था कि एक बार सुबह फिर से आपको बुलाऊं आपसे बातें करूं। इस मिशन के साथ जुड़ा हुआ हर व्यक्ति एक अलग ही अवस्था में था। बहुत से सवाल थे और बड़ी सफलता के साथ आगे बढ़ते हैं और अचानक सब कुछ नजर आना बंद हो जाए है। मैंने भी उस पल को आपके साथ जिया है जब कम्युनिकेशन ऑफ आया और आप सब हिल गए थे। मैं देख रहा था उसे, मन में स्वाभाविक प्रश्न था क्यों हुआ, कैसे हुआ। और वैज्ञानिक का मन ही तो वही होता है, वो हर बात को क्यों और क्यों से शुरू करता है। बहुत सी उम्मीदें थी। मैं देख रहा था उसके बाद भी आपको लगता था अरे यार कुछ तो होगा, क्योंकि उसके पीछे आपका परिश्रम था। पल पल आपने बड़ी बारीकी से इसको बढ़ाया था। साथियों, आज भले ही कुछ रुकावटें आई हो, रुकावटें हाथ लगी हो, लेकिन इससे हमारा हौसला कमजोर नहीं पड़ा है, बल्कि और मजबूत हुआ है। आज हमारे रास्ते में भले ही एक आखिरी कदम पर रुकावट आई हो, लेकिन इससे हम अपनी मंजिल के रास्ते से डिगे नहीं है। आज भले ही हम चंद्रमा की सतह पर हमारी योजना से नहीं जा पाए, और अगर कोई कवि को आज की घटना का लिखना होगा, साहित्यकारों को लिखना होगा, विज्ञान की सोच विज्ञान की भाषा अलग है, लेकिन कला और साहित्य के किसी को लिखना होगा तो जरूर लिखेगा कि हमने चांद का इतना वर्णन किया है, इतना रोमांटिक वर्णन किया है जीवन में, तो चंद्रयान के भी स्वभाव में वो आ गया था। और इसलिए आखिरी कदम पर चंद्रयान चंद्रमा को गले लगाने के लिए दौड़ पड़ा, कभी ऐसा ही कहेंगे। आज चंद्रमा को छूने की हमारी इच्छा शक्ति, चंद्रमा को आगोश में लेने की हमारी इच्छा शक्ति और संकल्प
और प्रबल हुआ है और मजबूत हुआ है और दृढ़ हुआ है। सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ इंडिया, माय साइंटिस्ट फ्रेंड्स, फॉर द लास्ट फ्यू आवर्स द एंटायर नेशन वॉज अवेक। वी वेर अवेक इन सॉलिडरिटी, इन सॉलिडरिटी विथ अवर साइंटिस्ट हु हैड एम्बार्क ऑन वन ऑफ द मोस्ट एम्बिशियस मिशन ऑफ अवर स्पेस प्रोग्राम। वी केम वेरी क्लोज बट वी विल नीड टू कवर मोर ग्राउंड इन द टाइम्स टू कम। एवरी इंडियन इज फिल्ड विद अ स्पिरिट ऑफ प्राइड एज वेल एज कॉन्फिडेंस। वी आर प्राउड ऑफ अवर स्पेस प्रोग्राम एंड साइंटिस्ट, देयर हार्ड वर्क एंड डिटर्मिनेशन हैज एंश्योर्ड अ बेटर लाइफ नॉट ओनली फॉर अवर सिटीजन्स बट ऑल्सो फॉर अदर नेशंस। इट इज द आउटकम ऑफ देयर इनोवेटिव जीन दैट सेवरल पीपल हैव गॉट एक्सेस टू ए बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ इंक्लूडिंग बेटर हेल्थ केयर एंड एजुकेशन फैसिलिटीज। इंडिया इज सर्टेन दैट देयर विल बी मैनी मोर अपॉर्चुनिटीज टू बी प्राउड एंड रिजॉइस। थैंक्स। एट द सेम टाइम वी आर फुल ऑफ कॉन्फिडेंस दैट व्हेन इट कम्स टू अवर स्पेस प्रोग्राम the best is yet to come. There are new frontiers to discover and new place to go. We will rise to the occasion and scale never hides of success. To our scientists, I want to say, India is with you. You are exceptional professionals who have made an incredible contribution to national progress. You have given your best always and will give us several more opportunities to smile. Nature, you ventured into a place where no one had ever done before. आप लोग मक्खन पे लकीर करने वाले नहीं, पत्थर पे लकीर करने वाले लोग। You came close as you could. Stay steady and look ahead. I also salute the families of our space scientists.
their silent but valuable support remains a major asset. Sisters and brothers of India, resilience and tenacity are central to India's ethos. In our glorious history of thousands of years, we have faced moments that may have slowed us, but they have never crushed our spirit. We have bounced back again and gone on to do spectacular things. This is the reason our civilization stands tall. My dear friends, as important as the final result is the journey and the effort. I can proudly say that the efforts was worth it, and so was the journey. Our team worked hard, traveled far, and those teachings will always remain with us. We will look back at the journey and effort with great satisfaction. The learnings from today will make us stronger and better. There will be a new dawn and a brighter tomorrow very soon. साथियों परिणामों से निराश हुए बिना निरंतर लक्ष्य की तरफ बढ़ने की हमारी परंपरा भी रही है और हमारे संस्कार भी है। हमारा हजारों वर्ष का इतिहास ऐसे उदाहरणों से भरा हुआ है जब शुरुआती रुकावटों के बावजूद हमने ऐतिहासिक सिद्धियां हासिल की है। खुद इसरो भी कभी न हार मानने वाली संस्कृति का जीता जागता उदाहरण है। अगर अपनी शुरुआती दिक्कतों और चुनौतियों से हम हार जाते तो आज इसरो दुनिया की अग्रणी स्पेस एजेंसी में से एक का स्थान नहीं ले पाता। साथियों परिणाम अपनी जगह है लेकिन मुझे और पूरे देश को अपने वैज्ञानिकों इंजीनियरों आप सभी के प्रयासों पर गर्व है। मैंने आपसे रात में भी कहा था और अभी फिर कह रहा हूं मैं आपके साथ हूं। देश भी आपके साथ है। साथियों हर मुश्किल हर संघर्ष हर कठिनाई हमें कुछ नया सिखाकर जाती है। कुछ नए आविष्कार नई टेक्नोलॉजी के लिए प्रेरित करती है और इसी से हमारी आगे की सफलता तय होती है। वैसे भी मैं मानता हूं ज्ञान का अगर सबसे बड़ा शिक्षक कोई है तो विज्ञान है। विज्ञान में विफलता होती ही नहीं है केवल प्रयोग और प्रयास होते हैं। हर प्रयोग हर प्रयास ज्ञान के नए बीज बोकर जाता है नई संभावनाओं की नींव रख करके जाता है और हमें
अपने असीम सामर्थ्य का एहसास दिलाता है। साथियों, चंद्रयान के सफर का आखिरी पड़ाव भले ही आशा के अनुकूल ना रहा हो, लेकिन हमें यह भी याद रखना होगा कि चंद्रयान की यात्रा शानदार रही है, जानदार रही है। इस पूरे मिशन के दौरान देश अनेक बार आनंदित हुआ है, गर्व से भरा है। इस वक्त भी हमारा ऑर्बिटर पूरी शान से चंद्रमा के चक्कर लगा रहा है। मैं खुद भी इस मिशन के दौरान चाहे देश में रहा या विदेश में, हर बार चंद्रयान की स्थिति से जुड़ी सूचना लेता रहता था। साथियों, भारत दुनिया के अहम स्पेस पावर में से एक है, तो उसके पीछे आप सभी का दशकों से जिन साथियों ने इसरो में काम किया है उनका परिश्रम है, उनका योगदान है। ये आप ही लोग हैं जिन्होंने अपने पहले ही प्रयास में मंगल ग्रह पर भारत का झंडा फहराया था। इससे पहले दुनिया में ऐसी उपलब्धि किसी के नाम नहीं थी। हमारे चंद्रयान ने ही दुनिया को चांद पर पानी होने जैसी अहम जानकारियां दी। ये भी आपके ही प्रयास थे कि हमने 100 से ज्यादा सैटेलाइट एक साथ लॉन्च करके एक नया रिकॉर्ड बनाया था। जब इसरो के पास सक्सेस की एनसाइक्लोपीडिया हो तो रुकावट के एक दो लम्हों से आपकी उड़ान आउट ऑफ ट्रेजेक्टरी नहीं हो सकती। साथियों, हमारे संस्कार, हमारा चिंतन, हमारी सोच इस बात से भरी पड़ी है जो हमें कहते हैं और जिसमें हम विश्वास कहते हैं, वयम अमृतस्य पुत्राः, वयम अमृतस्य पुत्राः, हम अमृत की संतान हैं जिसके साथ अमरत्व जुड़ा हुआ होता है। अमृत की संतान के लिए न कोई रुकावट है और न ही कोई निराशा। हमें पीछे मुड़कर निराशा नहीं होना है, हमें सबक लेना है, सीखना है, आगे ही बढ़ते जाना है और लक्ष्य की प्राप्ति तक रुकना नहीं है। हम निश्चित रूप से सफल होंगे। हम मिशन के अगले प्रयास में भी और उसके बाद के हर प्रयास में भी कामयाबी हमारे साथ होगी। 21वीं सदी में भारत के सपनों और आकांक्षाओं को पूरा करने से हमें कोई भी क्षणिक बाधा रोक नहीं सकती। आप सभी को आने वाले हर मिशन के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और मैंने पहले कहा वैसे ही, विज्ञान परिणामों से कभी
संतुष्ट नहीं होता है। विज्ञान की इनहेरेंट क्वालिटी है प्रयास, प्रयास और प्रयास। वो परिणाम में से भी नए प्रयास के अवसर ढूंढता है, वो परिणाम से रुकता नहीं है, नहीं वो परिणाम के सामने झुकता है। और ये आपके संस्कारों में है और इसीलिए तो देश आपके प्रति गर्व करता है। मेरा आप पर भी विश्वास है, मुझसे भी आपके सपने और ऊंचे हैं, मुझसे भी आपके संकल्प और गहरे हैं, मुझसे भी आपका प्रयास सिद्धियों को चूमने का सामर्थ्य रखता है। और इसलिए मैं पूरे विश्वास के साथ आपके हौसलों पर भरोसा करके, दरअसल मैं आपको उपदेश देने नहीं आया, मैंने सुबह सुबह आपके दर्शन, आपसे प्रेरणा पाने के लिए किए। आप अपने आप में प्रेरणा का समंदर है, प्रेरणा का जीता जागता सबूत है। और इसलिए इस प्रेरणा की पल है मेरे लिए, जहां निराशा को वैज्ञानिक मन आशा में परिवर्तित कर देता है, जहां सपनों को वैज्ञानिक मन सिद्धि में अंकुरित कर देता है। और इसलिए ऐसी सामर्थ्यवान, ऊर्जावान, संकल्पवान, सिद्धि के लिए समर्पित इन साथियों की टोली को अनेक अनेक बधाई भी देता हूं, अनेक अनेक शुभकामनाएं भी देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे प्रधानमंत्री मोदी, सीधा इसरो मुख्यालय से उन्होंने वैज्ञानिकों को हौसला बनाए रखने की बात कही, आगे इस मिशन को जारी रखने की बात कही। उन्होंने कहा मैं आपके साथ हूं, देश आपके साथ है। और जो प्रधानमंत्री ने बोला वो आपने सुनाई, मैंने कमेंट्स पढ़े, उसमें कुछ लोग कह रहे थे कि प्रधानमंत्री मोदी अच्छी एक्टिंग करते हैं, या काफ़ी निगेटिव कमेंट्स कुछ लोग कर रहे थे। तो उनसे बस मैं एक अपील करना चाहूँगा कि ये ऐसा मौका नहीं जब इस तरह की हम बातें करें, क्योंकि जो मिशन है वो पूरे देश का है, आपका है, हमारा है, सिर्फ प्रधानमंत्री तक सीमित नहीं है। तो उस नज़रिए से हमें देखना चाहिए और किस तरीके से वैज्ञानिकों का हौसला और बढ़ सके इस तरह की बातें करनी चाहिए, ना कि इस तरीके की जो नेगेटिव बातें नहीं करनी चाहिए, बचना चाहिए उससे हमें। बाकी ऐसे ही चंद्रयान 2 से जुड़ी दिन भर जो अपडेट्स आएंगी वो हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। आप देखते रहिए dlallantop.com। शुक्रिया।